दोस्तों भोले भंडारी, आज दिनांक 4 जून 2023 है। आज के देववाणी जनवाणी मंगलवाणी मैं ईश्वर अल्लाह गॉड वाहेगुरु बुद्धम को नमन करता हूँ। इस समय सुबह के कोई 6:30 बजे हैं। मैं आज जंतर मंतर नहीं जा सका। एक तो जंतर मंतर पर पहलवान बेटियाँ नहीं हैं, दूसरे बॉर्डर शायद दूर पड़ेगी, तीसरे क्या है कि मुझे अकेला जो ये है डॉक्टर साहिल गोयल एडवोकेट इत्यादि का प्रोग्राम ये ज़्यादा खींच नहीं सका। वैसे मेरा अभी भी मन कर रहा है कि 6:30 बजे तक क्या हुआ, अभी भी तुम 12 बजे तक 11 बजे तक पहुंच सकते हो। चलो आज तो मैं बहुत लेट हो गया और थोड़ा मेरी अरुचि थी कि ये डॉक्टर कोठारी तदी का प्रोग्राम ये थोड़ा इसका हिंदूकरण होता जा रहा है, प्रोग्रामों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। इसमें गाय बचाने का जो प्रोग्राम है ज़रूर करो, लेकिन उसके साथ साथ भैंस की जान की परवाह क्यों नहीं, ये मेरे समझ में नहीं आता। हमको किसी भी पशु को काट कर नहीं खाना चाहिए। परमात्मा ने हमें प्लेंटी ऑफ फूड दिया है। जब हम जंगलों में रहते थे तब की बात ही अलग थी। आगे सुनिए, सब ज़्यादा समय नहीं लूँगा। पिछला वीडियो आप फिर निवेदन है कि मेरा पिछला वीडियो, कोई वीडियो देखने से पहले पिछला वीडियो ज़रूर देखें। यदि आपने नहीं देखा है तो, और कुछ पिछले वीडियो भी देखेंगे तभी आपको पूरी रूप से समझ में आएगी। आज देखो मेरा पिछला वीडियो जो 2 तारीख का है, एक दिन में सिर्फ 505 व्यूज आए हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बहुत से निकलते हैं कि भाई ज़्यादा प्रभावशाली नहीं होंगे। ये भी निकलता है कि शायद वो रीच है जो YouTube ने रोक रखी है, शायद कोई और लोगों ने रोक रखी है, और इतना कॉम्पिटेंट वीडियो नहीं है तो व्यूज कहाँ से आए। इसका एक अर्थ ये भी है कि प्रकृति द्वारा अभी ये रोका हुआ है, क्योंकि प्रकृति वह प्रलय लाना ही चाहती है, लाना चाहती है। हम इसके लिए एंटाइटल करते होंगे। यदि इसमें पिछले वीडियो में मेरे को लाखों व्यूज आते और एक दिन आएंगे, करोड़ों आएंगे, तो भारत में प्रलय को रोका जा सकता था। इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि मेरे वीडियोज में व्यूज कम है, इसका मतलब हमें प्रलय को रोकना बहुत मुश्किल है। आगे देखें, देखते हैं क्या होता है। अब वह दिन नज़दीक आता जा रहा है, वही दिन डूम्स डे, प्रलय का दिन नज़दीक आता जा रहा है, और उस दिन को हमेशा के लिए भी दूर भगाया जा सकता है। हम वो पिछली बात कह रहे हैं कि वह अब दिन नज़दीक आता जा रहा है डूम्स डे, और उसे हमेशा के लिए भी दूर भगाया जा सकता है यदि हम अभी भी काम करें, तैयारी करें, हमें सही पता हो और हम समझते हैं कि हमें सही पता है। आगे सुनिए, क्योंकि हम नहीं जाग रहे हैं, अभी तक हम नहीं जागे हैं, इसलिए इन हिंदू जातियों के लिए नेगेटिव नेशनल कॉल दिया जाने वाला है। क्योंकि हम नहीं जाग रहे हैं, अभी तक हम नहीं जागे, बहुत कोशिश बहुत लोगों द्वारा करने पर भी हम नहीं जाग रहे हैं, इसलिए अब इन हिंदू जातियों के लिए एक नेगेटिव नेशनल कॉल दिया जाने वाला है, विच इज वेरी हॉरिबल। मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा हिट करने के लिए
थोड़ी चोट करने के लिए कि हम अभी भी जाग जाएं, वरना एक प्राकृतिक प्रकोप, एक सिविल प्रकोप, कई प्रकार के प्रकोप भारत में आने वाले हैं और विशेष रूप से हिंदुओं के लिए आने वाले हैं। सभी के लिए आएंगे, विशेष रूप से हिंदुओं के लिए। और आगे सुनिए, आखिरकार देश बचाने के लिए, आखिरकार देश बचाने के लिए देश की बेटियां, देश की पहलवान बेटियां आ ही गई, उनके लिए आखिरकार देश बचाने के लिए देवियां, देश की बेटियां, पहलवान बेटियां आ ही गई और उनके लिए देश ऐसा व्यवहार कर रहा है, उनके लिए, उनके साथ देश ऐसा व्यवहार कर रहा है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, जिसको बयान नहीं किया जा सकता, जिनके साथ ऐसा हॉरिबल व्यवहार कर रहा है। समझ लो कि प्रलय आ ही गई है, फिर भी ये देवियाँ, ये पहलवान बेटियाँ ही देश को बचाएंगी, जितना देश के किस्मत में बचना लिखा है। आखिरकार देश बचाने के लिए देवियाँ, देश की बेटियाँ, पहलवान बेटियाँ आई गई और उनके साथ हम ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। यह जब मैं बोल रहा हूँ तो मेरे 1984 याद आ रहा है, 1984 याद आ रहा है, वे वेरियर्स याद आ रहे हैं जिन्होंने हिंदुओं को, हिंदू धर्म को, देश को बचाने के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी, अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया। लेकिन हमने उनके साथ क्या किया, 1984 में क्या किया, यह बड़ा भयानक था। मैं ये नहीं कहता कि वह दूध का धुला हुआ या तुम दूध के धुले हो या हम दूध के धुले हुए हैं, सब में दोष हैं, लेकिन देश ने उनके साथ क्या किया, एक समूह ने दूसरे समूह के साथ क्या किया, यह अति भयानक था। आखिरकार देश बचाने के लिए देवियां, देश की बेटियां, पहलवान बेटियां आई गई, उनको तो आना ही है क्योंकि वे जगदम्बा की पुत्री हैं, किसी को समझ हो या नहीं हो, और वे ये इस दुनिया का ही काम नहीं कर रही, वे उस परमपिता परमेश्वर द्वारा भेजी गई देवियां हैं कि जाओ ये रोल अदा करो। लोग तो हैं जैसे हैं, इसलिए आखिरकार देश बचाने के लिए देवियां, देश की बेटियां, पहलवान बेटियां आ ही गई और हम उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। जो भी उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है, चाहे वो शासक हो, चाहे कुछ लोग हों, चाहे कुछ वर्ग हों, सारे के सारे तबाह हो जाने वाले हैं। देख लो, उन्हें कोई नहीं बचा सकता। परमात्मा ने कोई देश दुनिया बचाने का ठेका थोड़ी ले रखा है, वह उन्हीं को बचाता है जो बचने के पैरामीटर्स में आते हैं। आगे सुनिए, मिशन ग्रेट इंडिया प्रेमियों, मैं क्यों कह रहा हूँ कि जो लोग मिशन ग्रेट इंडिया से प्यार करते हैं, जिनको समझ है, जो डेडिकेटेड हैं, अपने पास में 1000 ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट प्रिंट करके तैयार रखना, क्यों, क्योंकि भारत में हॉरर, प्रलय, हड़कंप, भगदड़, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, कई तरह के स्टाम्प पैड आने वाले हैं, वे आपको उस समय बांटने, पहले भी बांटने में कोई दिक्कत, परेशानी नहीं, क्योंकि जिन जिन को भी ये आप दोगे, देखो गारंटी नहीं वो बच जाएंगे, लेकिन उनके बचने की प्रोबेबिलिटीज बढ़ जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, ये निश्चित है। क्यों हो जाएगी, ये हम अपने संभाषणों में बोलते रहते हैं।
कि वे लोग जिनके पास ये होंगे उनका जीवन अच्छा अच्छा होगा, तूफान भी आएंगे तो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, प्रलय में भी उनके बचने की संभावना होगी। अब संभावनाएं क्यों है, गारंटी क्यों नहीं है? गारंटी इसलिए नहीं दिया जा सकता कि यह संसार बड़ा कॉम्प्लेक्स है, सारे पाप और पुण्य का यहाँ प्लस माइनस का जोड़ है, हमने क्या क्या कर रखा है, थोड़ा सा ही करने से गारंटी नहीं हो सकती, कुछ संभावना बढ़ जाती है। हमारा जो बैंक में बैलेंस है पॉजिटिव या निगेटिव, प्लस या माइनस, कुछ और करने से कुछ फर्क पड़ता है, पूरे बैलेंस को वाइप अप नहीं किया जा सकता। और सुनिए, एक भाई हैं शरद, एक बेबी हैं, आजकल हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान कुछ रहम करो इन पर, क्योंकि उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की है। हम दोस्तों ज़्यादा लोगों के लिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारा ये कंसल्टेशन, ये काउंसलिंग, ये हमारे प्रयत्न पर्टिकुलर पर्संस के लिए बहुत कम है। यह इंडिया काउंसलिंग है। हमारा विचार है कि यदि हम राष्ट्रीय लेवल पर कुछ कर सके तो वह ऑटोमेटिकली करोड़ों लोगों के लिए हो जाएगा, और पर्टिकुलर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन करने लगे तो तुम 10 के लिए करोगे, 20 के लिए करोगे, 100 के लिए करोगे, कितनों के लिए करोगे, 1000 के लिए करोगे। लेकिन यदि तुमने देश के लिए किया और वह भी जो कुछ हुआ प्रयत्नों के द्वारा नहीं हुआ वो एक अलग बात है, तो वह सारे लोगों में ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। इसलिए दोस्तों हम क्या है कि उसी में लगे हुए हैं भारत के लिए कुछ करने के लिए, भारत को बचाने के लिए, उसको महान बनाने के लिए। इसलिए आप माफ़ करेंगे मुझे व्यक्तिगत रूप से लोगों को सलाह देने में, उनके लिए कुछ करने में, प्रार्थना करने के लिए भी बहुत कम समय मिलता है, वो कंबाइंड रूप से मैं सबके लिए करता हूँ। भाई शरद जी, मैंने इनके लिए प्रार्थना करी, भाई ये आदमी अपने को ऐसे बोल रहे हैं कि भाई परमात्मा कुछ करो, तो ईश्वर ने मुझे तुरंत उत्तर दिया कि भाई ये सारे कार्य तो करने ही है, सत्य दमा क्षमा करुणा प्रेम परोपकार जो भी है, इस प्रभु स्मरण है, चिंतन मनन है, ध्यान है, बहुत सी चीज़ें हैं जिनसे जीवन में अच्छा अच्छा आता है, लेकिन इनके लिए बोलो जो मैं इनको पर्टिकुलर पर्सनली बताऊंगा कि इन तीन आदमियों को अपने दुकान पर बुला करके चाय पिलाओ। ये आपके दिल्ली के ही हैं, एक दिन बुला करके चाय पिला दो। परमात्मा ने मुझे बताया, मैंने आपको बता दिया, और मैं वो वाइब्रेशंस की बात भी ऐसे ही नहीं मानता, क्योंकि ऐसे ही मान लिया वाइब्रेशंस, लेकिन सारी दुनिया एक वाइब्रेशंस का ही प्रतिफल है। यदि हम अपने जीवन की वाइब्रेशंस बदल दें तो सारा भाग्य बदल जाएगा। ओ आज तो मैंने बनियान भी नहीं फेरा, बड़ी गलती हो गई यार, मैं भी क्या यार बेकार सा आदमी हूँ, मुझे अपना ही होश नहीं है, और मैं सुधारने चला हूँ देश और दुनिया को, मुझे पता नहीं मैंने कपड़े और बनियान भी पहना कि नहीं। चलो अब मैं नहीं, मुझे तो पता ही नहीं था। हाँ तो मैंने क्या कहा, ये भाई साहब अपनी दुकान पर इन तीन आदमियों को जो मैं इनको ही बताऊँगा, नंबर दूँगा, बुला करके चाय पिलाएं, वाइब्रेशंस बदलेंगी। इस दुनिया में सारा खेल वाइब्रेशंस का है, जो भी हम अच्छा अच्छा करते हैं, जो हमने बोला सत्य दया क्षमा करुणा प्रेम परोपकार चिंतन मनन मेडिटेशन या जो भी, बंदरों को कुछ खिलाना, चींटियों को कुछ खिलाना, सारा उसका एक वाक्य में है, हम अपने वाइब्रेशंस को बदल रहे हैं। वाइब्रेशंस बदल गए तो जीवन बदल गया, तुम दूसरों के वाइब्रेशंस भी बदल सकते हैं। दूसरों का संपर्क, सत्संग या कोई कंबाइंड प्रोग्राम आपके जीवन के वाइब्रेशंस बदल सकता है। इसलिए मैंने इस भाई को सलाह दिए, और इसीलिए उस परमात्मा ने मुझे सलाह दिए।
मैं इनको बताऊंगा। सॉरी मैं दो तीन दिन से इनको अटेंड नहीं कर सका, वही कि मैं तो इतना अपने प्रोग्राम में खोया हुआ हूँ कि मुझे समय नहीं मिला। आगे सुनिए, हम ये मिशन ग्रेट इंडिया महोत्सव क्यों करते रहते हैं। ये महोत्सव, इनके पीछे बड़े लंबे चौड़े प्रोग्राम हैं, दुनिया में एक ही प्रोग्राम है, सब उसी उसी के लिए होते हैं, अपने भले के लिए, वही दुनिया के भले के लिए है, और दुनिया के भले के लिए है तो वही आपके भले के लिए है। इनके बड़े लंबे चौड़े इफेक्ट्स हैं, वही वाइब्रेशंस बदलता है, भाईचारा विकसित होता है, नई नई जगह जाते हैं, नए नए लोगों की समस्याएं देखते हैं। इनके अनंत फायदे हैं, इसलिए ये हम महोत्सव करते रहते हैं। असल में तो ये सत्संग है, हर्द लगे ने फिटक रही रंग चोखा हो जाए। ये हमारे ग्रेट साउल सर्चिंग के प्रोग्राम हैं कि महान आत्माओं से, पता नहीं कोई कैसी महान आत्मा कहीं मिल जाए, हमें ही बड़ा लिफ्ट मिले, हमारा ही उद्धार हो जाए, क्योंकि महान आत्माएं छिपी हुई हैं इस दुनिया में बहुत सी, और महान आत्माओं का ही प्रभाव है, पवित्र आत्माओं का ही प्रभाव है कि यह दुनिया इतना पिन पिन चल रही है, वरना इसको खड़कते चटकते देर नहीं लगे। अब भाई महान आत्माएं कौन कौन सी होती हैं? भाई महान आत्मा वे होती हैं जिनमें पवित्रता हो, यानी स्पिरिचुअल पावर हो, जिनमें दिमाग की पावर हो, चरित्र की पावर हो, मेंटल पावर जिसे हम कहते हैं कहेंगे, जिनमें भौतिक पावर हो, जिनके पास धन हो, मसल्स हो, हिम्मत हो, ये अकेला कुछ नहीं कर सकता। ये तीन चीज़ें मिलती हैं जो हम हमारे इसमें बताते रहते हैं, श्रीयंत्र में, भेड़ का बच्चा एक पवित्र आत्मा है, लेकिन वो भेड़ का बच्चा उसमें मसल पावर नहीं है, उसमें दिमाग की इंटेलिजेंसी की पावर नहीं है। एक डेमन भी, उसमें मसल पावर है, उनके पास धन है, राक्षसों के पास भी, लेकिन उनके पास पवित्र हृदय नहीं है, कोमल भावनाएं नहीं है। चीटर्स के पास भी दिमाग बहुत है, लेकिन वे निगेटिव साइड में जाता है। इसलिए हम बताते रहते हैं कि हमें तीन का कॉम्बिनेशन चाहिए, तभी गाड़ी आगे चलेगी। एक कार में भी लगभग 20,000 कलपुर्जे होते हैं, वे कंबाइंड होते हैं, तब जाकर एक सिस्टम बनता है, कार एंड देन दैट मूव। इसलिए जो हमारे महोत्सव होते हैं, ये ऐसे ही बेसलेसली हम नहीं घूमते रहते, ये हम कई कई कलपुर्जों को ढूंढ ढूंढ कर उनको लगाते हैं, ताकि वह सिस्टम बन सके दैट विल मूव इंडिया, दैट विल सेव इंडिया, दैट विल मेक इंडिया ग्रेट, दैट विल मेक वर्ल्ड ग्रेट, जो एक महान जीवन इस संसार को, भारत को देगा। हम ऐसा कम से कम समझते हैं, और ऐसा ही होगा। आज इतना ही, जय हिंद, जय भारत।